प्रोजेक्ट जो कि आपको मैंने बनाने आपको कहा हुआ और आपको हर इंटरव्यू में ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट बना के इंटरव्यूअर को दिखाना है। तो प्रोजेक्ट में कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, सबसे पहले मैं आपसे ये यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 15 ऐसे पॉइंट है जो प्रोजेक्ट में आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप लोग सबको ध्यान रखना है कि जिनको 2024 में जॉब चाहिए, सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस तरफ सभी देखिएगा। 2024 में जॉब का जो की है वो है आपका प्रोजेक्ट। आप सबको ध्यान रखना है कि आज का जो पूरा सेशन है प्रोजेक्ट के आसपास घूमने वाला है, और हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ प्रोजेक्ट के इंटरव्यू की भी तैयारी करिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कईयों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं पर वहाँ पर जाके क्योंकि बोल नहीं पाते तो वो फेल हो जाते हैं। और 2024 में आप सबको ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी में अपनी सीट पक्की करनी है तो आपके पास पहला क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट, दूसरा उसकी तैयारी की आप बोल कर दें। 15 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहता वो है आपका प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे आपने प्रोजेक्ट को दिखाया तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छी बात है, पर आपने कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बना लिया, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको देख के आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको मोटिवेट कौन से प्रॉब्लम ने किया और क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या होता है प्रोजेक्ट ऐसा बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता, बस बना के चले गए। तो प्रोजेक्ट कोई ऐसा बनाए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आपका ट्रेन टाइम टेबल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, होटल रिजर्वेशंस रहते हैं, ऐसे कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना आपको। दूसरा क्वेश्चन रहता है प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करिए, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसके कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। बताइए इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया, सामने वाला ये जानना चाहता है कि तुमने रेडीमेड तो नहीं ले लिया। कई लोग क्या करते हैं रेडीमेड उठा लेते, कई लोग अपने सीनियर्स का ले लेते, अपने भाई बहनों का ले लेते, बाजार से खरीद लेते हैं। सामने वाला कहता है कि ठीक है प्रोजेक्ट आपने बनाया, आप इस प्रोजेक्ट के फीचर्स बताओ कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। आपको कम से कम 5-7 क्वालिटी मिनिमम आपको एकदम दिमाग में रखने हैं जो आपको बोलने हैं, सभी को ध्यान रखना। और वहाँ पे कई लोग क्या होते हैं फीचर्स खुद बता नहीं पाते, लड़खड़ा जाते और वहीं पर आपका इंटरव्यू एंड हो जाता है। तीसरा, प्रोजेक्ट किस काम के लिए आपने बनाया, ये किस इंस्टीट्यूशन किस संस्था के लिए प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया ये आपको अच्छे से बताएं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट पूरी संस्था के काम कर रहा है कि उसका एक पार्शियल काम कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कहते हो कि मैंने बैंक का प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या पूरे बैंक की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा पार्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम पूरे संस्था के कामों को कवर नहीं करते। ऐसे में तो तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट बनाया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो बहुत सारे काम होते हैं, आप एक मॉड्यूल पकड़ के प्रोजेक्ट बनाते हो। yes, तो कभी आप ये मत बोलिए कि सर 100% बैंक का प्रोजेक्ट बना लिया, आपको ये बताना चाहिए कि उसके कौन से मॉड्यूल पे आपने काम किया। और अगर 100% बैंक पे काम किया है तो फिर आपको उसका पूरा काम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन, प्रोजेक्ट का कहाँ से मिला, यानी आपको कहाँ से इसका आइडिया आया, ये पूछा जाता है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आइडिया कहाँ से आया था, बस तो आपने कहा सर जी बस कॉपी पेस्ट, हमारे दोस्त बना रहे तो हमने बना लिए। ये कई लोग क्या कहते हैं इंटरव्यू में बोल देते, सर मेरा फ्रेंड बना रहा तो मैंने बना लिया, मेरे कजिन्स ने बनाया था तो मैंने बना लिया, इस तरह की लाइन सबको नहीं बोलनी है। प्रोजेक्ट का मोटिवेशन ध्यान रखना, ये कहाँ से आपको मिलता है, ये आपको मिलता है रिसर्चेस से। आप जब थोड़ा रिसर्च करते मार्केट में जाते तो आपको समझ में आता है कि इस चीज़ का प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन एक तैयार रखिएगा कि आपको उसका आइडिया कहाँ से मिला था। नेक्स्ट है आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है, सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा, इस पर काफी कहानी हो जाती है। आपके प्रोजेक्ट को क्या रियल लाइफ में पसंद किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, आपको अपना प्रोजेक्ट लाइव करना है ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट जब आप लाइव करेंगे तब ध्यान रखना आपको ये पता चलेंगे कि आपको रिव्यू कितने मिल रहे हैं, कितने यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं, कितने लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, अगर ऐप बनाए हो तो कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपके इंटरव्यू में बहुत फैक्टर लेता है। अगर आपने कहा कि सर मैंने वेबसाइट बनाई है और आज मुझे इस वेबसाइट को बनाए हुए 2 महीने हो गए हैं, 5,759 लोगों ने रिव्यू दिया है और मेरे पास 10,000 यूजर एनरोल्ड है,
तो अगर आप ये फिगर पुटअप करेंगे तो आईटी कंपनी आपको सीधा अंदर करेगी। आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है कि लोग उसको पसंद करें। ऐप अगर बना रहे हो तो लोग डाउनलोड करें, ये ज्यादा जरूरी है। ये फिगर्स पूछते हैं कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया सर ऐप आपका? सर से पांच, ये पांच मेरे फैमिली मेंबर वाले थे, बाहर सर किसी ने नहीं किया। मैंने काफी बोला लेकिन कईयों ने डाउनलोड करके फिर अनइंस्टॉल कर दिया। तो जब आपका फाइनल प्रोडक्ट चल नहीं रहा मार्केट में तो सामने वाला एक मान लेगा कंपनी कि तुम जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो भी मार्केट में फेल होने हैं। तो रिव्यूज आपके प्रोजेक्ट के अच्छे होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका रहता है आप किस लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे काम किए हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना लैंग्वेजेस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि आपने लैंग्वेज बता नहीं पाते, आपने पीएचपी पे काम किया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, आर, जावा, जिस लैंग्वेज पे काम किए हो उसका नाम आपको बोलना आना चाहिए। और सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क्स आपको ध्यान रखना पूरा याद होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना सामने वाला कोड भी देख रहा है, वो कोड खोल के देख रहा है तुमने तो लारावेल भी लगा, तुमने तो लारावेल का नाम ही नहीं लिया। बोलेगा सर जी सॉरी भूल गया था। क्यों भूल गए? आपको जैसे ही पूछा जाए लैंग्वेज कौन कौन से, पूरे लैंग्वेज बताओ, फ्रेमवर्क बताओ, लाइब्रेरीज बताओ, तीनों अलग अलग रखना। कई लोग क्या करते हैं एचटीएमएल सीएसएस कि जावास्क्रिप्ट के साथ जेक्वेरी डाल दिया, एंगुलर डाल दिया, लारावेल डाल दिया। पहले आप लैंग्वेजेस बोल दो, फिर आप क्या बोलो, फ्रेमवर्क्स बोलो, फिर लाइब्रेरीज बोलो, अलग अलग बोलो। सर फ्रेमवर्क में मेरा ये है, लैंग्वेज में ये है, लाइब्रेरी में मैंने ये डाला है। तीन अलग अलग होते हैं, कौन कौन से, लैंग्वेज, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, तीनों को अलग अलग बोलना सीखो भाई। सब खिचड़ी पका के यहाँ के बच्चे बोल देते हैं। और सर पूछा है एंगुलर क्या है, सर लाइब्रेरी, बस वही बात हो गई, एंगुलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेक्वेरी लाइब्रेरी है, इन चीजों को अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आपने बनाया कि टीम ने मिलकर बनाया, यह सामने वाला पूछता है। अकेले बनाए हो कि आपके साथ कोई दोस्त यार भाई रिश्तेदार बड़े भाई बहन लगे थे, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सच्चाई है पूरा बोलिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा क्रॉस चेक होने वाला है। अगर आपने कहा सर सेल्फ मेड है मैंने बनाया, उन्हें कोई ऐसा मॉड्यूल पकड़ा जो आपके दोस्त ने बनाया था, फंस गया। ठीक है, अगर आपने टीम से मिलकर, जैसे आप लोग कई लोग मिलकर प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं तो बोलते सर मेरे और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाया, सर ये मॉड्यूल मेरे दोस्तों ने बनाया, ये मॉड्यूल मैंने बनाया, तो उन लोग उसी मॉड्यूल पे सवाल पूछेंगे जो मॉड्यूल आपने बनाया। और तुमने अगर बोला कि सर होल प्रोजेक्ट मैंने बनाया, बोले ठीक है, कोई भी एक मॉड्यूल पकड़ा और सवाल जवाब चालू, और तुम्हारी किस्मत इतनी खराब उस दिन कि मॉड्यूल तुम्हारे दोस्त वाला उठा लिया उन्होंने और तुम कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि जो बनाता है उसको नॉलेज रहता है, सबको नॉलेज नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा सच्चाई बोलिए। वैसे तो मैं कहता हूँ खुद के दम पे पूरा प्रोजेक्ट बना। कारण क्या है, आपको अभी अकेले ही लड़ने जाना है। ठीक है, अभी टीमिंग, अभी मैं टीमिंग का ज़्यादा ना पालो, भले पांच पेज का प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन खुद बनाओ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वाई यूज योर लैंग्वेज, यानी आपने इस लैंग्वेज को यूज़ क्यों किया, इसका मतलब ये है आपने लारावेली क्यों डाल दिया, आपने पीएचपी क्यों डाला, आपने पाइथन क्यों डाला, आपने आर क्यों डाला, कुछ तो सोच के डाला होगा कि ऐसे डाल दिया। क्योंकि आप ध्यान रखना जो काम पीएचपी कर सकता है वो काम जावा भी कर सकता है, वो पाइथन भी कर सकता है, वो आर भी कर सकता है। तो हमने अगर मान लीजिए बैकएंड में आर को चुन लिया, हमने जैसे बैकएंड में पाइथन को चुना, तो कुछ तो सोच के चुना होगा ना। और इसमें भी ध्यान रखना कॉपी पेस्ट वाली बात मत करना कि सर मेरे दोस्त पाइथन में बना रहा तो मैंने बना लिया। ठीक है, ये वाली लाइन ना छोटे सिटी के बच्चे बहुत बोलते हैं, सर मेरे कजिन हैं, मेरे कजिन समय सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, उसने पाइथन प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने बना लिया। और कुछ नहीं समझ में आया कि पाइथन का कुछ फीचर आपको समझ में आया होगा, पाइथन के कुछ आपको एडवांटेज समझ में आ गए, कुछ लाइब्रेरीज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, कुछ तो पाइथन में पसंद आया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेजेस का एडवांटेजेस आप मिलाइए, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज इसलिए पसंद है क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने इसको बैकएंड में रख दिया। तुमने एचटीएमएल सीएसएस क्यों रखा, कुछ तो होगा। तो इसका रीजन आप इतना बकरा तुमको बोलना पड़ेगा। नाइन्थ है व्हाट इज योर चैलेंजिंग वर्क ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कौन सा चैलेंजिंग वर्क है जो आपको प्रोजेक्ट में आपने फेस किया, मतलब ऐसा वर्क जिसमें आप फंस गए थे, बहुत गंदा फंसे एकदम, आपको एकदम ऐसा लगा कि एक दो बार आपने सोचा कि प्रोजेक्ट वो मुझे बनाना ही नहीं है, इस मॉड्यूल को छोड़ दे। तो हर इंसान जब प्रोजेक्ट बनाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फंसता है, कोई बहुत ऐसा टास्क होता है जिसका आपके पास रिजल्ट नहीं रहता। तो अगर आपने खुद प्रोजेक्ट बनाया तो एक दो जगह होगा ऐसा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने खुद नहीं बनाया ना, तो आप कहेंगे सर सारे टास्क तो बड़े आराम से हो गए, तो वो बोलेगा कि तुमने बनाए ना। क्योंकि जब इंसान बनाता तो कहीं फंसता है, जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि भाई आप गाड़ी चला रहे हो कभी गिरे ना हो, कभी भिड़े ना हो। ठीक है, कभी गलती से हम भिड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है। आपने कहा सर कभी चोट नहीं लगी, कभी गिरे, सामने वाला डाउट में देखता है, बोलेगा तुमने गाड़ी चलाते हो, तुम ही चलाते हो ना कि ड्राइवर वगैरह रखे हो,
क्योंकि इंसान चलाएगा तो कभी मिस्टेक होती है, कभी वो फंसता है, बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डाउट जहाँ पे तुम लोग फंसे थे उसको थोड़ा याद रखिएगा और एक्सप्लेन करो कॉन्फिडेंस के साथ, यस सर मैं इसमें फंसा था। वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई थी? सर मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। तो मेरा सॉर्ट आउट कैसे किए? सर मैंने ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट किया। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, फंसना गलत नहीं है लेकिन छुपाना गलत है। नेक्स्ट आपका है, और इसमें आपको ध्यान रखना है, दो तरह के चैलेंज होते हैं। ये चैलेंजेस मैं बता दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट में दो चैलेंजेस में इंसान फंसता है। एक तो होता है टेक्स्ट चैलेंज, टेक्स्ट चैलेंज मतलब तुम लैंग्वेज में फंस गए, और दूसरा होता है तुम्हारा टीम चैलेंज। हो सकता है तुम जिस टीम के साथ काम कर रहे थे वो लोग सही से काम नहीं कर पाए। तो बता दो सर हम तीन लोग मिलकर बना रहे थे, मेरा एक दोस्त नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग उसके कारण से प्रोजेक्ट हमारा डिले हो गया, हमें फिर वो काम खुद से करना पड़ा हमें। तो टेक चैलेंज और टीम चैलेंज दो चैलेंज होते हैं ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट के फेल होने पर। या तो तुम टेक्निकल नहीं संभाल पा रहे, या तो तुम्हारी टीम नहीं मैनेज कर पा रहे, ठीक है। ज्यादातर अभी आपके लेवल पे तो टेक चैलेंज ही है, क्योंकि अभी आप लोग कोई टीम नहीं लेके चल नहीं रहे, बाद में जॉब करोगे तो टीम चैलेंज भी आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th, व्हाट आर योर फ्यूचर इंप्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट, भविष्य में इस प्रोजेक्ट को क्या आप इंप्रूव करने की सोच रहे हो, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अधूरा सा प्रोजेक्ट बना के आप पहुंचते हो, सर ये 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल अधूरे पड़े हुए, आपको ये ध्यान नहीं रहता कि 5 मॉड्यूल अधूरे सबसे बड़ी बात है। और सामने वाला कहता है कि ठीक है अब नए हो, उसने कहा चलो अधूरे प्रोजेक्ट है, वो कह ठीक है नए बच्चे। अब उनने पूछा इस पे आगे क्या करने की प्लान कर रहे हो, आपने कहा सर कुछ नहीं, 100% बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरा, फंस गए। कोई भी प्रोजेक्ट 100% जो है वो फाइनल नहीं होता है, हर प्रोजेक्ट में क्या होता रहता है, इम्प्रूवमेंट। कुछ पॉइंट तैयार रखिएगा अपने प्रोजेक्ट में बताने के लिए कि सर हम इस प्रोजेक्ट में भविष्य में ये इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। और अगर ये पॉइंट नहीं है तुम्हारे दिमाग में, यानी तुम जो है बड़े घटिया किस्म के वोटर हो, सीधी बात है, क्योंकि हर चीज़ जो आप कर रहे हो उसका इम्प्रूवमेंट भी आपको पता होगा, ठीक है। आपके माता जी से पूछिएगा कि आप मम्मी ये इससे ये जो सब्जी आप बनाते हो सब्जी में और क्या इम्प्रूवमेंट करोगे, तो मम्मी को पता होगा कि भविष्य में मैं ऐसे ट्राई करने वाली हूँ, कुछ और मैं ट्राई करके कुछ नया बनाऊंगी। पिताजी को पता है कि कुछ नया कमाने के जरिए मैं निकाल रहा हूँ। तो हर इंसान जो काम करता है उसको नेक्स्ट लेवल पता होता है। नेक्स्ट आपके 11th है, एक्सप्लेन बैक एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। बैक एंड एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का मतलब आपके प्रोजेक्ट में जितने भी बटन लगे हैं उसको दबाने पे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में जो भी टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स है, आपने जो कंट्रोल्स लगाए हैं, जो लूपिंग लगाई है, जो कंडीशन स्टेटमेंट लगाए हैं, क्या हो रहा है इससे, वो कोई भी एक पॉइंट पकड़ के आपको पूछ लेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं बटन पकड़ लेते हैं, बोले ये बटन है, बोले यस सर क्या होगा, सर मैं दबा के देखता हूँ, दबाना नहीं है अभी, बस आप देख के बता, लैपटॉप आपके सामने रखा, आप बताइए कि इस बटन से क्या कर रहे हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि आप जैसे बटन दबाओगे कुछ तो होगा, उनने कहा कि बटन तुमने लगा तो क्यों लगाए। हर चीज का आपको बैकएंड एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। अगर तुमने टेक्स्ट बॉक्स लगाए तो क्यों लगाए, चेकबॉक्स लगाया तो क्यों लगाया, पासवर्ड सेट क्यों कर दिए, क्यों आपने रिपोर्ट जनरेट करा दिया, हर चीज का क्यों होता है, भाई किया क्यों तुमने, ये होता। तुम्हें किसने कहा था बटन 5 बटन लगाने को, सर 4 से भी काम हो सकता था, सर मुझे लगता 5 में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लगाया, तो क्यों लगाया, हर चीज का क्यों होता है ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है यही आपको संभालना है, एक बड़े महानगर का बच्चा जो होता है वो ये संभाल लेता, तुम नहीं संभाल पाते, इसलिए तो तुम लोग अंततः जब जॉब नहीं लगती तो उसके बाद फिर सेल्स मार्केटिंग करने लगोगे, सरकारी की तैयारी कर रहे हो, घर में बैठे हो, पापा की पेंशन उड़ा रहे हो, सैलरी उड़ा रहे हो, रीजन उसका यही है। प्रॉब्लम क्या है आपको कि आपको बैकएंड बोलना ही नहीं आता, आप प्रोजेक्ट में बना तो लेते हो अगर कैसे करके फिर उसका एग्जीक्यूशन बोलो ना डेफिनेट कि सर बटन से ये होगा, कोई तुम्हें गोली मार देगा क्या? और अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया तो तुम्हें तो पता होगा, अगर तुमने बनाया तो 100% पता है तुम्हें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एंड टू एंड क्वेरी की बात हो रही है, यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें आपके हर एक फॉर्म को चला के वो बंदा देखता है। अगर तुमने 7 फॉर्म बनाया पहले, 7 फॉर्म कहता है कि वो चला चला के देखेगा, एंड टू एंड पूरा बात करेगा आपसे, तैयार रहिएगा। अगर तुमने 5 फॉर्म बनाया तो 5 फॉर्म को चला चला के आपसे सवाल पूछेगा, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन का मतलब 7 है तो 7 को चला के पूछेगा, किसी भी फॉर्म को हल्के से मत लीजिएगा। आपको ध्यान रखना सामने वाला आपको लंबे समय के लिए प्रोग्रामर बनाना चाहता है, इसलिए ध्यान रखना वो ये सोचेगा कि भाई ये इंसान प्रोजेक्ट ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर दे तो मैं उसको आने वाले समय में अच्छा पैकेज दूं। नेक्स्ट है कैन यू इंप्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी इन फ्यूचर। कई बार लोग क्या करते हैं कोई एक फंक्शनैलिटी आपको देते हैं कि ये फंक्शनैलिटी आप इस प्रोजेक्ट पर डाल सकोगे क्या। जैसे किसी ने कहा प्रोजेक्ट तो आपका अच्छा, लॉगिन तो हो रहा है, क्या इसमें आप थंब लॉगिन डाल सकते हो, आपका आप वहीं पर कहीं रुकते हैं, आप फेस रिकॉग्निशन डाल सकते हो। लॉगिन के लिए मैंने कहा कि मुझे फेस रिकॉग्निशन करना है, मुझे थंब लॉगिन करना है, मुझे कैप्चा लॉगिन करना है,
कर सकते हो क्या? कभी भी नो मत बोलिएगा। यस सर हो सकता है। कैसे करोगे सर? इसके थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी इसका आंसर अगर है, आंसर अगर है तो बोल दो, कैप्चा के लिए मैं ऐसा से कोड करूंगा, मैं थंब के लिए, फेस के लिए ऐसा से कोड करूंगा। नहीं है तो सर आई विल डू रिसर्च एंड सर आई विल मेक दिस। कितने दिन में बना लोगे? कहता है सर मुश्किल से 7 डेज में मैं बना लूंगा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको ध्यान रखना। पहले बात यस बोलना, दूसरा कितने दिन? 7 दिन बोलिएगा। भले आपको 10 दिन भी लगे तो ठीक है, उनके सामने 7 दिन से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आपने कहा सर 1 महीने में कैप्चा करूंगा, भले 1 महीने में तो एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है, तुम कैप्चा 1 महीने में करोगे बैठकर, इतना धीरे स्पीड है तुम्हारा। तो ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें क्या थोड़ा समझना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस के साथ यस बोलना है। कई लोग डर डर के बोलते हैं यस सर हो जाएगा कर लेंगे, आपका शक्ल भी वो देख रहा है, बोले क्यों डर गए क्या नहीं कर पाओगे? ऐसी कोई चीज़ है जो प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती क्या? कोई सब चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा आइडिया चाहिए और थोड़ा सा रिसर्च कर करके कोड निकालोगे, डाल दोगे, टेस्ट करोगे, हो जाएगा। कोई भी चीज़ ना तो है ही नहीं कोई चीज़ ना इस लाइन में। 14 पॉइंट है, आपने प्रोजेक्ट से क्या सीखा? अब पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट से क्या सीखा, कुछ सीखा आपने प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चीज़ आपकी इम्प्रूव हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया। ये चीज़ ट्रेनिंग से भी, ट्रेनिंग के संबंध में भी क्वेश्चन आता है कि आपने फुल स्टैक की ट्रेनिंग की तो फुल स्टैक की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा, तो आपको पता होना चाहिए सर मैंने इन चीज़ों पर बहुत इंप्रूवमेंट पाया। मैंने जब मैं कॉलेज लेवल पे था, स्कूल लेवल पे था, सब मुझे इन चीज़ों में बहुत डर लगता था, आफ्टर फुल स्टैक मैंने इन चीज़ों में पकड़ अच्छी खासी बनाई है, ठीक है। और एक 15th पॉइंट आपको मैं ध्यान रखना हूँ कि कोई भी पर्सन ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स विस्तार में है, प्रोजेक्ट्स को ध्यान रखना आपको डिप्लॉय करना ही है। आप में से ध्यान रखना कई बच्चे क्या है, प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने की जगह लोकल अपने कंप्यूटर में रखे रहते हैं कि कंप्यूटर घुमा के से दिखा देते हैं, सर ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, सर देख लीजिए। लोकल अगर अपना प्रोजेक्ट है अगर, यानी लैपटॉप में से घूम रहा है, डेस्कटॉप में घूम रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक हमने URL के साथ लॉन्च नहीं किया है, आपका इंटरव्यू कैसे फेल हो जाता है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे डिप्लॉय करिए, ये टिप भी आपके लिए। अगर आप डिप्लॉय कर पाएंगे तो बच जाएंगे, डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखना लोकल प्रोजेक्ट्स की कोई महत्वता नहीं है। मैं लैपटॉप में 50 प्रोजेक्ट लेके चलूं कोई मतलब नहीं है, जब तक उस 50 प्रोजेक्ट के लिए मैं डोमेन होस्टिंग करा के लॉन्च करके URL ना किसी को दूं। URL एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है, ध्यान रखना। तो आप सबको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं आपको उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करोगे तो दुनिया देखेगी, डिप्लॉय करोगे तो दुनिया आपके प्रोजेक्ट को सराहेगी, या फिर प्रोजेक्ट में मिस वर्ड्स भी भेजे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट इसी ढंग से आप बनाइए। तो मेरा ये मेरा पहला सेशन समाप्त हुआ, और करिएगा।